दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन खरीदने की बात करने पर लोग सिर्फ किडनी बेचने की ही बात क्यों करते हैं, आंख की और कान की क्यों नहीं, जबकि उनके भी एक रहने पर जिंदा रहा जा सकता है। क्या आप इस गांव के बारे में जानते हैं जहां हर घर के आगे एक एरोप्लेन खड़ी मिलती है। यह आदमी 85 साल की उम्र तक 10वीं की ही परीक्षा दे रहा है, पर क्यों? और ये 9 साल का बच्चा महीने के करोड़ों कमाता है, पर कैसे? ऐसे ही और रोमांचक फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस दमदार फैक्ट वाले एपिसोड को। फैक्ट नंबर 40। दोस्तों, एशिया के 10 सबसे बड़े अमीरों में से एक मुकेश अंबानी के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, पर क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि अगर मुकेश अंबानी काम करना बंद कर दे तो वो कितने दिन तक अपने पैसों से बैठकर खा सकते हैं? अब दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, पर अगर हम एक एवरेज में बात करें तो मुकेश अंबानी के पास इतना सारा पैसा है कि वो अगर अब से ही काम करना बंद कर दे तो रोज सिर्फ खाना और काम के खर्च को छोड़िए, अगर वो रोज 1 करोड़ भी, जी हाँ, हर रोज 1 करोड़ रुपए भी खर्च करे, फिर भी उन्हें 1730 साल लग जाएंगे अपने पूरे पैसों को खर्च करने में। अब ये सुनने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि मुकेश अंबानी के पास कितना सारा पैसा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, राजस्थान के अलवर गांव में रह रहे शिवचरण यादव की उम्र 85 साल है और ये पिछले 50 सालों में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये हर बार परीक्षा को पास करने में नाकामयाब रहे हैं। दरअसल शिवचरण के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और तब से ये उस गांव के एक छोटे से मंदिर में रहते हैं। 9वीं की परीक्षा को पास करने के बाद इन्होंने ये फैसला किया था कि 10वीं पास करने के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक ये एक बार भी परीक्षा में पास नहीं कर पाए, जिस वजह से इन्होंने कभी शादी ही नहीं की। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान का हाथ सबके ऊपर होता है, तो इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि कोरोना काल में इन्हें भी बाकी बच्चों की तरफ प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इन्होंने रिजल्ट लेने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि ये 10वीं की परीक्षा खुद पढ़कर ही पास करेंगे। अब कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये 2022 में 10वीं के एग्जाम को पास कर पाएंगे या नहीं। चलिए पता करते हैं कौन सही होता है और कौन गलत। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, इस वीडियो में जो मशीन आप देख पा रहे हो, क्या आप लोग उसका असली नाम जानते हैं? जहां तक मैंने सुना है, ज्यादातर लोग इसे JCB ही बोलते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इसका असली नाम नहीं है। इस मशीन का नाम BL यानी कि ब्लैक होल लोडर है और जो कंपनी से बनाती है उसका नाम JCB है। तो आज के बाद इसे JCB नहीं बल्कि ब्लैक होल लोडर बुलाना। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शांत जगहों पे जाना काफी पसंद है, जिसके लिए वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी शांत जगह भी है जहां पे आप अपनी हार्ट बीट्स को भी बहुत आराम से सुन सकते हैं? ये जगह अमेरिका के रेडमोंड में स्थित है, जो एनेकोइक चेंबर के नाम से जानी जाती है। ये एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर जाके आप अपने दिल और फेफड़ों की फूलने की आवाज तक को सुन सकते हो। इस कमरे को दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाकर तैयार किया है, जिसकी लागत 10.5 करोड़ रुपीज है। दुनिया की सबसे ज्यादा शांत जगह होने से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इस कमरे में 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यहाँ शांति से लोग बहरे भी हो सकते हैं। ये कमरा 6 मोटी दीवारों के अंदर बनाया गया है, जिसमें हर एक दीवार की चौड़ाई लगभग 1 फीट मोटी है। इतना ही नहीं, इस कमरे की छत और दीवारों पर फाइबर ग्लास का भी उपयोग किया गया है, जिससे इस कमरे में आवाज नहीं गूंजती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हॉलीवुड की जानी मानी मूवी अवतार तो आप सभी ने जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि ये मूवी किससे इंस्पायर्ड होकर बनी थी? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरू ने इस मूवी को हिंदू धर्म के पूज्य भगवान विष्णु से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। अगर आप गौर करें तो इनके बदन का रंग, इनकी सवारी भगवान विष्णु से कुछ हद तक मिलती जुलती है। जेम्स कैमरू ने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा कि अवतार मूवी हिंदू धर्म और उनके भगवान विष्णु से इंस्पायर्ड होकर बनी है। अब कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये मूवी अभी तक देखी है या नहीं देखी। फैक्ट नंबर 9। एक ऐसा गांव जहां हर घर के सामने खड़ा होता है एक प्राइवेट प्लेन। जी हाँ दोस्तों, आपने घरों के सामने कार या बाइक खड़े होते तो जरूर देखा होगा, पर आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां हर घर के सामने एक प्लेन खड़ा रहता है।
अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा नाम का एक गांव है जहां हर एक घर के पास आपको एक प्राइवेट जेट पार्क हुआ दिख जाएगा। अब इस जगह इतनी सारी प्लेन्स होने का कारण कोई रिस्क या फिर शौक नहीं है, बल्कि इस गांव में 1300 लोग रहते हैं जिसमें से आधे से ज्यादा पायलट है और जो नहीं है उन्हें प्लेन से घूमने का बहुत शौक है, जिस वजह से यहाँ की सड़कों पर कार कम और प्लेन्स ज्यादा दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब भी आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले गूगल का ही नाम आता होगा और आप उस पर जाके सर्च करते होंगे क्योंकि इसमें आपको हर तरह की जानकारी मिल जाती है। लेकिन आज हम आपको गूगल के कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। दरअसल गूगल इस समय का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इसने गूगल से मिलते जुलते सभी डोमेन्स जैसे google.com या google.com को खरीद लिया है ताकि अगर कोई भी गलत स्पेलिंग भी लिखता है तो भी वो सीधा गूगल पर ही जाता है। गूगल को लैरी पेज ने 4 सितंबर 1998 को लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप सबने कई सारे किस्से सुने होंगे, कुछ भयानक या कुछ जिन पे विश्वास ही ना किया जा सके, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पे आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच है। दरअसल ये 2009 की घटना है जहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गैरियंट वुलफोर्ड को नॉर्थ वेल्स के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और यहां सरप्राइज देने वाली बात ये थी कि उसी हॉस्पिटल में बिल्कुल उस पुलिस अफसर के कमरे के बगल में उसी नाम का एक और आदमी एडमिट था जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। और इससे भी ज्यादा हैरत में डालने वाली बात तो ये है कि वो दोनों एक ही फोर्स से थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी भी नहीं देखा था और पूरे यूके में सिर्फ वही दोनों गैरियंट नाम के इंसान भी थे। नहीं यकीन हुआ ना? मुझे पता था, पर एक बार आप इनके बारे में डीप रिसर्च करिएगा ताकि आपको भी मेरी तरह यकीन हो सके। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है तो आप मुझे पागल तो जरूर कहेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक आदमी प्रेग्नेंट हो गया था। नागपुर में रहने वाले संजू भगत का पेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इसी कारण उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर्स ने उनके पेट को देखा तो उन्हें लगा कि ये शायद ट्यूमर की वजह से हुआ हो, पर डॉक्टर्स ने जब उनके पेट का ऑपरेशन किया तो इसमें से कुछ और ही निकला। दरअसल उनके पेट में एक बच्चा था जो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, पर यह सोच के सब हैरान हो गए थे कि एक आदमी के पेट में एक बच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि एक मेडिकल कंडीशन के चलते जब दो ट्विन्स किसी माँ के पेट में होते हैं तो उसमें से कोई एक ट्विन दूसरे के पेट में चला जाता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और इनके साथ भी यही हुआ था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 9 साल का बच्चा करोड़ों में खेलता है तो आप शायद मुझ पर यकीन ही ना करें, पर ये सच है। ये एक यूट्यूबर है जो कि बच्चों के खिलौने का अनबॉक्सिंग वीडियोस डालता है और उनसे खेलता है। ये बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है, इसकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज आते हैं और उसके कुछ वीडियोस पे बिलियंस ऑफ व्यूज भी आ चुके हैं। इसके चैनल का नाम है रियांस वर्ल्ड और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ये यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई से भी ज्यादा पैसे ये 9 साल का बच्चा कमाता है। ये बच्चे का अपना खुद का निकोलोडियन शो भी है जो कि मोस्ट वॉच्ड किड शोज में से एक है। यहाँ तक कि वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी भी इस छोटे से बच्चे के साथ कोलैब करना चाहती है और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इसकी नेट वर्थ $100 million से भी ज्यादा है। ये हर महीने करोड़ रुपए कमाता है और ये बस बच्चों के खिलौने पे वीडियोस बना के इतना पॉपुलर हो गया है। इस बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने पैसे कमा लिए हैं कि अगर अब ये वीडियोस ना भी बनाए तो भी ये अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता है। इस बच्चे ने खिलौने खेलने से लेकर खिलौने बनाने तक सब कुछ इतनी छोटी उम्र में अचीव कर लिया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप लोगों ने किडनी बेचकर आईफोन खरीदने वाला मीम तो जरूर देखा होगा और जब भी आईफोन अपना कोई नया सेट लॉन्च करता है तो ये मीम्स सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाती है। पर हमेशा किडनी की ही बात क्यों करते हैं? हम एक आंख बेच के भी तो आईफोन खरीद सकते हैं। दरअसल ये बात 2011 की है जब एक चाइनीज लड़का जिसका नाम वांग शांगकुन है, जो आईफोन खरीदने के लिए दीवाना था लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसी के चलते उसने किसी ब्लैक मार्केट के ऑर्गन पेडलर से संपर्क किया, जिसके बाद $3,000 में ये जनाब अपनी राइट किडनी को बेच देते हैं और उन पैसों से आईफोन 4 और आईपैड 2 खरीद लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी करते हैं कि जब एक किडनी पे जिंदा रहा जा सकता है तो दोनों की क्या जरूरत है।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, स्काई डाइविंग का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिन्होंने बिना पैराशूट के ही स्काई डाइविंग की थी और जिसके बाद वो सही सलामत नीचे लैंड भी कर गए थे। दरअसल इनका नाम ल्यूक एकिंस है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के ही छलांग लगाकर जमीन पे लैंडिंग की थी। तो ये देखकर लोग हैरान हो गए। इस वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि कैसे ये इंसान 25,000 फीट की ऊंचाई से सीधे नेट पर लैंडिंग करता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सभी ट्रेन में यात्रा करते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से ट्रेन में सीट्स बुक करते हैं, लेकिन लगातार यात्रा करने के बावजूद भी भारतीय रेल से जुड़ी कुछ जानकारियां हमें मालूम नहीं होती है। आपने सफर करते समय क्या ट्रेन के ऊपर लिखे 4, 5 और 6 अंकों के नंबर गौर किए हैं? हम सभी उसके बगल में लिखे ट्रेन का नाम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस नंबर के बारे में सोचा है कि आखिर इसे क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या होता है? ट्रेन के हर कोच पर मुख्य रूप से 5 अंकों की संख्या लिखी होती है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। इसके पहले 2 अंक ये बताते हैं कि कोच किस साल में बना हुआ था। जैसे ट्रेन के किसी कोच पर 92322 लिखा है, तो पहले 2 अंक के अनुसार ये कोच साल 1992 में बना है। बाकी के 3 नंबर इस बारे में बताते हैं कि कोच AC 1 टीयर है या 2 टीयर या फिर सामान्य द्वितीय श्रेणी का है। जैसे कि 92322 किसी कोच पर लिखा है, तो 322 से यह पता चलता है कि यह द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच है। इस प्रकार रेल के डिब्बों पर ये अंक विशेष जानकारी के लिए लिखे जाते हैं। इसके लिए भी अलग अलग नंबर बांटे गए हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने सिलेंडर्स के नीचे होल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये होल्स आखिर में क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, सिलेंडर्स की सिर्फ एक ही परेशानी है, वो है प्रेशर। और आप तो ये जानते ही होंगे कि LPG गैस का प्रेशर से बाहर होना हमारे या सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए इन होल्स की मदद से सिलेंडर के निचले हिस्से में ठंडी हवाएं बहती रहती है, जिससे कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और शानदार फैक्ट्स जानते रहना चाहते हो और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।